नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की फेमस स्पीच जो उन्होंने शिकागो में दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पहले विवेकानंद को धर्म सम्मेलन में प्रवेश नहीं मिला था? आखिरकार क्यों विवेकानंद को धर्म सम्मेलन में प्रवेश नहीं मिला था और फिर उन्होंने कैसे धर्म सम्मेलन में प्रवेश प्राप्त किया? और जब विवेकानंद शिकागो पहुँचे तो तब सब उन्हें राजा मानने लगे थे और अखबारों में भी ये आ गया था। तो आइए इन्हीं सभी बातों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। May 1893, ये वो दिन था जब विवेकानंद पेनिनसुला स्टीमर से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। विवेकानंद धर्म सम्मेलन के लिए निकले थे, तो हम देखते हैं कि उनके पास किस किस धर्म का ज्ञान था। विवेकानंद को वेद उपनिषदों का गहरा ज्ञान था, बौद्ध जैन शैव वैष्णव क्रिश्चि इस्लाम आदि धर्म संप्रदायों की पूर्ण जानकारी, गुरु नानक मीराबाई तथा तानसेन भी जबान पर, महाराष्ट्र के संत कवि तथा दक्षिण के अलवार और नयनार की स्मृति में विराजमान। स्वामी विवेकानंद के पहले 2-3 दिन कष्ट से गुजरे। विवेकानंद को घूमने की आदत थी क्योंकि वे सन्यासी थे, तो जब भी जहाज किसी बंदरगाह पर रुकता तो वे घूम लेते थे। वे केवल ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थानों को ही नहीं देखते थे, अपितु आदमी, उनकी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि की बारीकियां भी निहार। कोलंबो, हांगकांग, कैटन, याकोहामा, ओसाका, क्योटो तथा टोक्यो शहरों को देखते हुए स्वामी जी वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। वहां से वे रेलगाड़ी से शिकागो के लिए रवाना हुए। सन 1893 के जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में स्वामी जी अमेरिका पहुंचे। धर्म सभा 11 सितंबर को प्रारंभ होने वाली थी और धर्म सभा शुरू होने में 2 महीने बाकी थे। उस महंगे देश में 2 महीने तक भोजन करने लायक भी पैसे स्वामी जी के पास नहीं थे। हालांकि अमेरिका यात्रा पर प्रस्थान करते समय उन्होंने कुछ डॉलर अपने पास अवश्य रखे थे, पर उस विदेशी मुद्रा का उपयोग किस तरह किया जाए ये उन्हें नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने उन्हें खूब ठगा। अब हम देखते हैं कि विवेकानंद को लोगों ने राजा कैसे मान लिया था। शिकागो में 1 महीना रहने के बाद उन्हें किसी ने बताया कि रहने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बोस्टन शहर सस्ता है, इसलिए 15 अगस्त 1893 को स्वामी जी बोस्टन जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हुए। रेलगाड़ी में उनकी पहचान मिस कैथरीन सैनबोर्न नामक एक वृद्ध महिला से हुई। उनका ब्रीडी मिडोज नामक एक छोटा सा बंगला था, वह स्वामी जी को अपने घर ले गए। वे दोनों जब बग्घी से घर जा रहे थे तो फेमिंगहम ट्रिब्यून नामक साप्ताहिक के संवाददाता ने उन्हें देख लिया। उन्होंने 23 अगस्त के अंक में समाचार प्रकाशित किया कि अपने गांव में एक भारतीय राजा आया है। मिस कैथरीन सैनबोर्न के बंगले पर उन्हीं की बग्घी से दोनों को जाते हुए मैंने उसे देखा। कैथरीन सैनबोर्न के मिलने से स्वामी जी को काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि शिकागो आने पर स्वामी जी को मालूम हुआ कि धर्म सम्मेलन में वक्ता के रूप में उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्ताओं की सूची तो साल भर पहले ही बनना प्रारंभ हो गई थी। दुनिया भर के धर्म संप्रदायों के आधिकारिक महात्माओं को तब का निमंत्रण जा चुका था, तो इसलिए विवेकानंद को धर्म सम्मेलन में प्रवेश नहीं मिला। स्वामी जी चिंतित हुए, जनता के पैसे से इतनी दूर अमेरिका आकर अपने विचारों को व्यक्त न कर पाने की विवशता के कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। बाद में उन्हें पता चला कि अमेरिका में ब्राह्मण समाज के पैर जमे हैं और यहाँ उनका कार्यालय है। जब स्वामी जी को पता लगा कि ब्राह्मण समाज का कार्यालय है यहाँ, तो स्वामी जी ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे किसी भी संप्रदाय या संस्था का प्रतिनिधि न होने के कारण मुझे धर्म सम्मेलन में प्रवेश से रोका गया है, पर आप लोगों का यहाँ प्रवेश मान्य है। यदि आप मुझे वहाँ 1 दिन के लिए प्रतिनिधित्व देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर ब्राह्मण समाज की ओर से विवेकानंद को पत्र प्राप्त होता है और उसमें लिखा होता है कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। मिस कैथरीन सैनबोर्न स्वामी जी को दिखाने के लिए अपने दोस्तों को बड़े उत्साह से अपने घर बुलाती थी। एक बार नज़दीक के सैरबोर्न नामक एक गांव से महिला कारागार की अधीक्षिका हेड मिस्ट्रेस स्वामी जी से मिलने आई।
उन्होंने स्वामी जी को महिला कैदियों के सामने व्याख्यान देने का निमंत्रण दिया। फिर स्वामी जी को दूसरा निमंत्रण बोस्टन के लेडीज क्लब से मिला था। बोस्टन में स्वामी जी का भाषण बड़ा ही प्रभावशाली रहा। फिर वहाँ भाषण देने के बाद वहाँ से कुछ पैसे लेकर स्वामी जी मैसाच्यूसेट्स पहुँचे। वहाँ पर श्रीमती सैनबॉर्न के एक मित्र थे मिस्टर राइट, वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्रोफेसर थे। स्वामी जी के ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा पर उनके प्रभुत्व से मिस्टर राइट अत्यंत प्रभावित हुए। किसी बड़े व्यक्ति की सिफारिश न होने के कारण इस सीधे साधे युवा सन्यासी को धर्म महासम्मेलन में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, यह देख मिस्टर राइट नाराज हो गए। ये नाराजगी उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपसे योग्यता का प्रमाण पत्र मांगने का मतलब साक्षात सूर्य से तुम्हें चमकने का क्या अधिकार है, यह पूछने जैसा है। उस समय मिस्टर राइट को अपने एक मित्र प्रोफेसर बरुच की याद आई। वो धर्म महासम्मेलन के एक आधार स्तंभ थे। उनके नाम से एक पत्र लिखकर मिस्टर राइट ने स्वामी जी को दिया और बरुच साहब से मिलने जाने के लिए शिकागो तक का उन्हें रेल का टिकट भी खरीद कर दिया। उस पत्र में जॉन हेनरी राइट ने प्रोफेसर बरुच को लिखा था कि विवेकानंद अमेरिका स्थित सभी विद्वान प्राध्यापकों से अधिक प्रकांड पंडित है। स्वामी जी को राइट साहब ने पैसे भी दिए। वो पैसे स्वीकार करते हुए स्वामी जी बड़े ही हताश स्वर से बोले, आज तक जितने भी चिंताओं को झेलते हुए मैं जिया हूँ, उनमें से सबसे बड़ी चिंता है धन संचय, जो मुझे यहाँ विदेश में करना पड़ रहा है। पैसों को मैं कैसे संभाल सकता हूँ। यात्रा के दौरान स्वामी जी को एक व्यवसायी ने कहा कि वे उन्हें प्रोफेसर जॉन हेनरी बरुच के घर तक पहुँचा देंगे, पर स्टेशन की भीड़ में वे कहीं गुम हो गए। एक दुर्भाग्य ये भी हुआ कि प्रोफेसर जॉन हेनरी बरुच का पता भी कहीं खो गया। वे गलती से स्टेशन के उत्तर पूर्व द्वार से बाहर निकले, जहां अधिकांश जर्मन भाषी लोगों की बस्ती थी जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। स्वामी जी फिर से शिकागो के रेलवे यार्ड में आ गए। वहां लकड़ी की एक खाली पेटी पड़ी थी। स्वामी जी उसमें घुस गए। ईश्वर का नाम लेकर स्वामी जी निश्चिंत होकर उसमें सो गए। रेलवे यार्ड में एक लकड़ी की पेटी में सोए हुए विवेकानंद नामक भारत पुत्र केवल 2 दिन के बाद सारे अमेरिका को दहला देने वाले थे। और फिर दूसरे दिन सुबह शिकागो की एक अमीर बस्ती के लेक शायर ड्राइव नामक रास्ते पर खड़े होकर स्वामी जी आने जाने वाले लोगों से प्रोफेसर बरुच का पता पूछने लगे। सभी लोग जल्दी में थे। स्वामी जी के पूछने पर वे लोग एक क्षण के लिए रुकते तो थे, पर उत्तर देने के लिए नहीं, अपितु स्वामी जी की विचित्र पोशाक देखने के लिए। दोपहर होते ही स्वामी जी को जोरों की भूख लगी। जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हताशा में स्वामी जी कुपित होकर एक फुटपाथ पर बैठ गए और अपने सदगुरु को ही दोष देने लगे। मैं विश्व बंधुत्व का प्रचार क्या खाक करूँगा, धर्म सभा में प्रवेश वर्जित है, कोई ठीक से बोलता तक नहीं, खाने की समस्या है, क्यों भेजा आपने मुझे इतनी दूर। अब स्वामी जी चिंतित होकर अपने सदगुरु को ही दोष देने लगे, लेकिन कवि हृदय सीधे साधी स्वामी जी जिस रास्ते पर बैठे थे उसका नाम था डियरबॉर्न एवेन्यू। इसी बीच उस रास्ते के सामने वाले एक छोटे से बंगले से एक महिला बाहर आती है और स्वामी जी के पास आकर रुक गई और उसने बड़ी आस्था से उनकी पूछताछ की और वह स्वामी जी को अपने घर ले गई। उस महिला का नाम था श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल। हेल पति पत्नी तथा उनके बच्चों ने विवेकानंद को अपने परिवार का एक सदस्य माना। इसी तरह हेल महोदय ने धर्म महासम्मेलन में सहभागी होने के लिए विवेकानंद को अनुमति भी प्राप्त करवा दी। इसी के साथ सम्मेलन के आयोजकों ने तुरंत स्वामी जी के लिए प्रतिनिधि निवास में पूर्वी धर्म गुरुओं के विभाग में रहने की व्यवस्था भी करवा दी।